हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीमर्स किचन। आज हम बनाने जा रहे काबुली चना पुलाव रेसिपी एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हमने एक डेस्की लिया है जिसपे हमने 4 बड़े चम्मच घी दिया है, आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी दे सकते। फिर 1 इलायची देंगे, 2 लौंग और 2 तेज पत्ते देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और 3 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके यहाँ पर अभी फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय हम इसका कलर थोड़ा डार्क गोल्डन करेंगे। अगर आपको पुलाव का कलर लाइट चाहिए तो लाइट कीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और फ्राई करते रहेंगे, कंटिन्यूअस मिक्स करते रहेंगे प्याज को। तो देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, तो अभी ये इसका कलर परफेक्ट चेंज हो गया। इस टाइम हमने थोड़ा पानी ऐड किया है, जो हमने गर्म पानी ऐड किया है। फिर 1 चम्मच हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना जब हो जाए, फिर हमने काबली चने को बॉयल करके पहले ही रख दिया था। बॉयल करने के बाद यहाँ पर अभी पानी फेंक के दे दिया है चने को। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जोहा चावल दे देंगे। हमने यहाँ पर 2 कप जोहा राइस को पहले ही भिगो के रखा था और फिर वॉश कर लिया है। फिर नमक स्वाद अनुसार दे देंगे और फिर अच्छी तरह सारे चीज़ों को मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। फिर हम मिक्स करने के बाद यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। क्योंकि हमने जोहा राइस 2 कप लिया है, इसलिए पानी 2.5 कप लेंगे। आप चाहे तो 3 कप भी ले सकते, ये चावल के क्वान्टिटी ऊपर डिपेंड करता है। मगर जितने चावल लेंगे उससे 1/2 कप ज़्यादा हाफ कप पानी ज़्यादा देंगे। और हमने यहाँ पर गर्म पानी यूज़ किया था देने के लिए। फिर इसे ढक के रख देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 30 मिनट्स बाद हमारा कबली चना पुलाव रेडी हो गया है बनके। बहुत इजी और बहुत सिंपल रेसिपी है, मगर बहुत टेस्टी। वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।